नमस्कार, मैं जगन्नाथ कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, इसको देखते हुए सिवान नगर परिषद की वार्ड संख्या 25 की पार्षद लाडली खातून ने अपने पुत्र मोहम्मद कैफ और बंटी के साथ कई गरीबों के बीच राशन का वितरण किया। वार्ड पार्षद ने आटा चावल दाल के साथ आलू प्याज का भी वितरण किया। वार्ड पार्षद ने बताया कि दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको देखते हुए करीब 200 से ज्यादा लोगों के बीच राशन का वितरण किया गया। वहीं उनके पुत्र मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने बताया कि आगे भी ऐसे जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया जाएगा। आज हमारे यहाँ जो वितरण हो रहा है राशन का, ये कोरोना वाली जो बीमारी चली हुई है जिससे सभी लोग परेशान हैं, जो हमारे मोहल्ले में मजदूर किस्म के इंसान हैं, गरीब हैं, पुअर किस्म के आदमी हैं, उनको मजदूर डेली कमाने खाने वाले इंसान हैं, वो लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत मुसीबत झेल रहे हैं इस बीमारी के वजह से और इस बंदी के वजह से। इसलिए हमने सोचा कि कुछ हम लोग थोड़ा सहायता करें अपनी जनता को। क्या क्या वितरण में दे रही हैं? वितरण में चावल, आटा और आलू प्याज सब्जी के लिए। कितने लोगों के बीच ये वितरण किया गया है? ये हम लोग 200 लोगों के से ज्यादा लोगों को वितरण किया। 25 के वार्ड पार्षद है वो, उनका उनका कर्तव्य बनता है कि गरीबों के लिए जितना उनसे हो सकता है वो करे, और वही हम लोग उनके सहयोग में खड़े हैं और उन्हीं के द्वारा ये बांटा जा रहा है। और जहां जहां तक हम लोग का सहयोग अगर होगा, इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी होगा, हम लोग सहयोग देते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है इंशाल्लाह। क्या क्या वितरण किया जा रहा है? जैसे बहुत थोड़ा सा है जीवन के लिए, थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा सहयोग दे रहे हैं, जैसे कि आलू प्याज आटा और चावल के लिए फिलहाल अभी दे रहे हैं। पहले हम लोग मास्क बांट चुके थे, लाइफ बॉय साबुन बांट चुके थे, अब ये बांटेंगे फिर इंशाल्लाह। और भी जैसे जैसे हम लोग अपने ऊपर अल्लाह का रहम होगा उसे हम लोग अब इंशाल्लाह बांटते रहेंगे, मदद करते रहेंगे।